नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसमें मिलती रहती है हर गवर्नमेंट जॉब की पल पल की जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड प्रत्येक जानकारी सबसे पहले। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आर्मी ट्रेड भर्ती 2019 का पेपर है, जो 26 अक्टूबर 2019 को लगा था, चूरू गगनगढ़ हनुमानगढ़ भर्ती ट्रेड का पेपर था। उसके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल की वीडियो में मैंने बताए थे जो कि सामान्य जीके के क्वेश्चन बताए थे, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताए थे। आज मैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये हमें प्रोवाइड किए हैं जयप्रकाश सारण ने, जो हमारे स्टूडेंट है जयप्रकाश जी सारण, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए ये क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है, क्या दे रखा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यदि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ये ऑप्शन में आपके दे रखे थे, तो आप सबको पता है क्या होगा? सूर्य होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य होगा। कई बार यहाँ धूप भी दे देता है, क्योंकि प्रकाश या धूप की बात करें तो वो भी एक सूर्य का ही, सूर्य से प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पृथ्वी पर प्रत्यक्ष या गए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य। चलो अगला क्वेश्चन था आपके, ध्वनि किस में गमन नहीं करती? ये क्वेश्चन था, ध्वनि किस में गमन नहीं करती है? तो आप सबको पता है ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती। आपके सही जवाब क्या होगा? निर्वात होगा। ध्वनि ठोस में गमन करती है, द्रव में भी करती है और गैस में भी करती है। ठोस में सर्वाधिक बात करें तो इस बात में सर्वाधिक गमन करती है, ये ध्यान रखने आप, ठीक है? और आप सबको पता है प्रकाश है वो निर्वात में सर्वाधिक वेग से गमन करता है, जबकि ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती। इसी कारण आप सबको पता होगा चंद्रमा पे हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि वह निर्वात है, वातावरण नहीं है। और प्रकाश के लिए ध्यान रखना, प्रकाश है वो निर्वात में सर्वाधिक गति से चलता है, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आप सबको पता है, परमाणु भार होता है वो प्रोटोनों और न्यूट्रोनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है, ये आपको ध्यान ही होगा। परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो आप सबको पता है सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं को बड़ा देख सकते हैं, तो बड़ा दिखाता है, बड़ी दिखाता है, ये देख रखो। तो ये है सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने में काम लिया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करिए। वीडियो तो आप पूरा देखते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक लाइक तो आपका भी बनता है, दिल से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आगे मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँ, ताकि आपको भी फायदा होता रहे। चलो अगला देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप सबको पता होगा तारे होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते, केवल प्रकाश की गति मंद और कहीं अधिक होने के कारण वो टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सबको पता है CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 है। चलो अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं, ये सबको पता ही है, 7 रंग होते हैं। और GT वाले भी पूछा था 7 रंगों का क्रम बताओ, तो इमचोर होता है ये क्वेश्चन, वैसे GT और दोनों में लगभग मेल खाता रहा है, यानी एक जैसा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था अगला? अगला था, निम्न में से सबसे कठोर कौन सा है? जो ऑप्शन दे रखे इनमें बताना था कठोर कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा है हीरा है, ठीक है, हीरा इनमें कठोर दिखाई दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी सेम साहित्य GD और ट्रेड का सेम ही क्वेश्चन है, लगभग ये GD में भी आया था, और GD का भी मैंने पेपर अपलोड कर दिया है, जो आर्मी प्रीवियस ईयर की प्ले लिस्ट बनाई गई है मेरे द्वारा, उसमें जाकर आप पीछे के सारे पेपर देख सकते हो। GD का मैंने पूरा पेपर पहले से अपलोड कर दिया गया, तो वो भी आप देख सकते हो, और ट्रेड के मैंने GK के क्वेश्चन कल अपलोड कर दिए थे, वो भी आप देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आप सबको पता है सर्वग्राही यानी ग्रहण करने वाला, सबका ग्रहण कर सकता है, AB सबका ग्रहण कर दे सकता है, ग्रहण सर्वग्राही, और सबको देने वाला सर्वदाता वो होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये तो सबका आपको पता ही होगा, गेंगा रोग तो हम बचपन से सीखते आ रहे, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आपने दीवारों पे भी लिखा हुआ देखा होगा,
आयोडीन नमक खाओगे का रोग भगाओ, तो आप किसी के ध्यान भी रहता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापती है? इस तरह का क्वेश्चन है। यदि आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप, उम्मीद करता हूँ, गलत नहीं करने वाले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे आपको काफी सारे जीके के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं और साइंस के भी कई मैंने वीडियो डाली है। तो चैनल पे अभी यदि आप डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी अगले आने वाले पेपरों से वंचित न रह सको और सही करके आ सको। तो आप सबको, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है, और रिएक्टर स्केल होती है वो भूकंप तीव्रता नापी जाती है, और बेरोमीटर होता है वो दाब मापा जाता है, थर्मामीटर ताप मापा जाता है। ये सारी चीज़ मैंने पीछे बताई हुई, आप वीडियो देख सकते हो पीछे की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, तत्व कितने हैं? तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तत्व कितने हैं? तत्व है 118। अब वर्तमान में तत्व 118 याद रखना आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्तनधारी जंतु कौन सा नहीं है? जंतु नहीं है, स्तनधारी का मतलब होता है जो जमीन पे चलने वाला कौन सा जंतु नहीं है। तो आप सबको पता है जमीन पे मनुष्य चलता है, गाय भी है, कुत्ता भी है, सारे के क्या है, सारे के एक मछली है, क्या है, जो कि आप पता है कौन सी है, जलचर है, ये जलचर बात करिए, जलचर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब होने वाला था। देखो बच्चों, यहाँ मुझे मिली है केवल मात्र 13 क्वेश्चन आपको साइंस के मैंने प्रोवाइड किए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट ने भेजे नहीं है। यदि आपके ध्यान में तो आप भेज सकते हैं, अगले वीडियो जो मैं रीजनिंग और मैथ का लेने वाला हूँ इसमें इंक्लूड कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से आज कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पेपर के कोई भी क्वेश्चन और भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।